करते हैं एक्सरसाइज 5D। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रो वीडियो में जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो वाले वीडियो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये चैप्टर विदाउट नोइंग डिविजिबिलिटी रूल होने वाला नहीं है। ठीक है, तुमको अगर डिविजिबिलिटी रूल याद होगा तो तुम इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर डिविजिबिलिटी रूल तुमको याद नहीं है तो ये चैप्टर तुमसे सॉल्व नहीं होगा, तुम छोड़ दो। ठीक है, तो पहले एक काम करो, पहला काम है एक्सरसाइज 5D करने का, एकदम पहला काम है वो देख लो क्या डिविजिबिलिटी रूल, वो एकदम पूरा का पूरा माइंड में मैप बना लो कि ये नंबर का ये होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, 3 ये होता है तो 3 से डिविजिबल होता है, 4 ये होता है तो 4 से डिविजिबल होता है, ये एकदम अच्छे से मैप कर लो, एकदम मैपिंग कर लो। मेरा वीडियो देखो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हम बहुत अच्छे से वहां पे समझाया है, तो चलो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5D, क्लास 8, सेलिना पब्लिकेशन, कॉन्साइज मैथमेटिक्स। ये चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, तुमको लगेगा कि यहाँ पे ये जो है ना 1 × 5, ठीक, लेकिन ये वाले भाई साहब इंटू नहीं है, ये है बुक का एक्स, बुक में इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई मत मानना, ये जो है एक्स है। ठीक, अब देखो दिस इज डिविजिबल बाय, क्या ये है, तुमसे यही पूछा है कि नहीं। अब ये करने से पहले तुमको याद होना चाहिए कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सारे जो नंबर्स है प्लस होना चाहिए, तो फिर क्या होगा 1 + x + 5। और अगर सारे नंबर्स को अगर प्लस करके जो आंसर है वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। देखे हो ना, अगर नहीं देखो तो वो देख लो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हम बता रहे। ठीक है, तो 1 + x + 5 ये है, तो x को क्या बनना पड़ेगा यहाँ पे ना, हमको पुट करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड, नाम सुने हो, ट्रायल एंड एरर। तो पहले x का वैल्यू 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करो, तो क्या होगा 1 + 1 + 5, तो आंसर क्या आ रहा है 5 × 1 = 6, 7, तो 7 आ रहा है, तो 7 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो फिर 1 नहीं बैठेगा। अब 2 पुट करो, 1 + 2 + 5, ठीक है, तो 5 × 2 = 7, 1 = 8, तो 8 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो फिर 2 भी नहीं होगा। 3 पुट करो, 3 पुट करने से 5 × 3 = 8, 1 = 9, हाँ ये क्या है 3 से डिविजिबल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, कब, जब x का वैल्यू, जब x इक्वल्स टू 3 होगा, क्या एक ही आंसर होगा और कुछ हो नहीं सकता, पुट करके देख लो, नंबर्स तो 10 ही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 + 4 + 5, तो 5 × 4 = 9, 1 = 10, तो नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो फिर 5 पुट करो, तो 5 × 5 = 10, 11, नहीं होगा, तो 5 नहीं होगा। अब देखो 1 + 6 + 5 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, हाँ होगा, मतलब क्या यहाँ पे देखो 6 आएगा, तो यहां से क्या पता क्या चल रहा है, देखो 3, 6, तो ऑटोमेटिकली देखो 3 का मल्टीपल्स का नंबर हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो देखो 3, 6 है, तो ऑटोमेटिकली 7 और 8 भी नहीं होगा, चाहे तो चेक कर सकते हो, ये तुम्हारा काम है, सब कुछ हम कर देंगे तो तुम क्या करोगे। ठीक, तो ये 7 और 8 हुआ, ठीक, नहीं होगा। अब क्या होगा, 9 पुट करके देखो, जरूर होगा, क्या होता है 15 आता है, तो देखो 9 में हुआ, तो मतलब यहाँ पे 9। अब देखो यहाँ पे हम तो 1 से 9 तक गया है कि नहीं, 1 से 9 तक गया है, अगर हम 0 पुट नहीं किए हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में वो भी तो एक नंबर है, तो पहले 5 × 1 क्या हो जाएगा 6, तो मतलब डिविजिबल होगा, तो 0 पुट करके भी डिविजिबल होगा, तो 0, 3, 6, 9, इसके बीच में और कुछ नंबर यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। अब तुम लोग बोलो कि सर यहाँ पे तो 10 हम पुट कर ही सकते, लेकिन भाई साहब ये जो नंबर है क्या डिनोट कर रहा है, 1, इसको मल्टीप्लाई ना छोड़ दो, इसको एक्स समझ लो, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये क्या हो गया यूनिट्स, ये क्या हो गया टेंस, ये क्या हो गया हंड्रेड्स, समझ में आया, तो ये x को क्या होना पड़ेगा, 0 से 9 तक ही कोई नंबर यहाँ पे बैठ सकता है, अगर तुम 10 बिठाओगे ना तो 10 भाई साहब ये 100 के प्लेस में चला आएगा, जो कि नहीं होगा।
कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया? शायद समझ में आ गया है, नहीं आया तो एक और बार सुनो, नहीं आया तो एक और बार सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ लो, सम्स ऑटोमेटिकली बनेगा। ठीक, क्या बोले थे यहाँ पे, 3x5 डिविजिबल बाई 3 है क्या कि नहीं है? ये x है x, ठीक, ये भाई साहब जो है x है, ये ऐसा नहीं है इसको मल्टीप्लाई नहीं समझो, ऐसा बहुत सारे बच्चा ये करता है, इसको मल्टीप्लाई समझ लेता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई है नहीं। ठीक है, 1x5, तो x की जगह पे कौन बैठेगा, 0 से 9 तक कोई नंबर बैठेगा, कोई डिजिट्स यहाँ पे बैठेगा, तो कौन कौन बैठेगा, जो बिठाने से ये नंबर जो आंसर आएगा, जो आंसर का नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या किए थे हम, पहले 0 पुट किए, तो 5+1 क्या है 6, तो डिविजिबल हो रहा है 6 से, तो ये 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम x की जगह। यहाँ पे क्या 5 देखा तो 1 पुट किए, तो 1+1 2+5 क्या आ रहा था, 7 आ रहा था, जो 7 जो है ये मल्टीपल है नहीं, किससे, 3 से, और डिविजिबल भी नहीं है, ये 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो मतलब ये 1 बैठ नहीं सकता, 2 पुट करो, 2 पुट करके देखा कि 8 आ रहा है, 2 पुट करो, 2 1 3 5 8 आ रहा है, तो 8 भी क्या है 3 से डिविजिबल है नहीं, तो फिर हम लोग क्या नहीं कर सकते, 2 यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। तो अगर तुम चाहते हो कि नंबर्स सर हमको बताइए, तो नंबर्स बस x की जगह पुट कर दो, एक बनेगा 105, एक बनेगा 135, एक बनेगा 165, एक बनेगा 195, और ये चार नंबर छोड़ के यहाँ पे कोई भी डिजिट्स तुम पुट कर सकते हो, तुम चाहो तो पुट कर सकते हो, लेकिन उस वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा नहीं। चेक करना है, चलो चेक करते हैं। देखो हम यहाँ पे 165 को उठा लो, 165 डिवाइड करो 3 से, क्या होगा, 3 5 15 1 3 5 15, ठीक, तो यहाँ पे सर चलिए 7 लेके देखते हैं, तो चलो 175 लिए, तो 3 से करो, 3 5 15 16 17 25, क्या 25 3 से डिविजिबल है, नहीं है, यहाँ पे जो हो गया था, यहाँ पे 0 3 6 9 छोड़ के और कोई नंबर बैठ ही नहीं सकता, बस यही चार नंबर जो है ये चार नंबर ही बैठेगा, समझ में आया, ये छोड़ के कोई नहीं बैठेगा, लेकिन ये चार बैठेगा, तब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। चल देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है, 3 1 x 5, इसको हम x ही लिख रहे हैं क्योंकि ये x ही है, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3, देखो सेम टाइप का सम्स है, एग्जैक्ट सेम टाइप का, तो हम क्या करेंगे, बस 3 से डिविजिबल मतलब क्या है, जितना सारे डिजिट्स है प्लस करते जाना है, जितना सारा डिजिट्स है बस प्लस करना है, तो x के जगह पहले 0 पुट करो, ठीक है, 5 1 6 प्लस 3 9, तो होगा, तो x इक्वल्स टू, यहां पे लिख रहे हैं x इक्वल्स टू, अच्छा चलो वो एंड में लिखेंगे, फिर जो है यहां पे 3 प्लस 1 प्लस 5, 3 प्लस 1 प्लस 5, 3 प्लस 1 प्लस 5, यहाँ पे हम 4 लिखा ऐसे ही होगा, ठीक है, हम बस ये नंबर्स लिखेंगे, तो पहले यहाँ पे 1 देखो क्या होगा, 10 हो जाएगा, 9 था 1 ऐड हुआ तो 10 हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पे 2 पुट करो 11 होगा, नहीं होगा, 3 पुट करो 12 होगा, हाँ होगा, ठीक, यहाँ पे 4 पुट करो 13 हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पे 5 पुट करो 14 हो जाएगा, नहीं होगा, 6 पुट करो क्या होगा 15 होगा, जो होगा, मतलब देखो यहाँ पे जो लिखे है ना, और एक बार लिख देते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करोगे, ठीक, देखो यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 5 6 और नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पैटर्न समझ में आ गया है, 9 12 15 ऐसे करके हो रहा है, मतलब क्या देखो वो किस किस में हो रहा है, 0 में हुआ, 3 में हुआ, 6 में हुआ, और एक कहां पे होगा, 9 में होगा, ठीक, तो मतलब x equals to 0, 3, 6, 9 ही हो सकता है, ठीक है, तो हमको आंसर कैसे लिखना है, x equals to 0, 3, 6, 9, ठीक, तब ये divisible by 3 होगा, समझ में आया क्वेश्चन, हाँ, वहां पे उतना सारे बताया, लेकिन यहां पे उतना नहीं बताएंगे, ठीक है, आई होप
समझ में आ गया है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी देखो ना वही सेम टाइप का सम्स है, 2 8 x 6 is, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बताया है कि दिस इज मल्टीपल ऑफ थ्री, दिस इज मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है। तो देखो मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब क्या है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 2 + 8 + x + 6, ठीक। अब देखो यहाँ पे दिस इज मल्टीपल ऑफ थ्री, यहाँ पे क्वेश्चन था दिस इज डिविजिबल बाय थ्री, मल्टीप्लीकेशन डिविजन में कोई डिफरेंस नहीं है, सम सेम टाइप का ही सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे देखो x की जगह पे ना 0 पुट करो, ठीक है, देखो थी क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो ये सम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 2 + 8 + 1 + 6, तो यहाँ पे 17 नहीं होगा, 2 + 8 + 2 + 6, तो 8 × 10, तो एक बड़ा, तो 18, तो ये होगा, तो 18 क्या है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये अगर डिवीजन में होता तो दिस इज डिविजिबल बाय 3, सेम ही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, बस डिविजिबल की जगह मल्टीपल कर दिया है, 2 + 8 + 3 + 6, तो क्या होगा, 6 × 3 = 9, 9 + 10 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 + 8 + 4 + 6, तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 = 20, नहीं होगा, 2 + 8 + 5 + 6, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 बढ़ जाएगा, 21 राइट है। तो मतलब क्या, देखो ये कुछ बच्चा ना ये कहता है कि सर ये क्या हमको पूरा करके दिखाना है, नहीं करना है, तुम बस 5 तक कर लो, तो देखो पैटर्न तुमको समझ में आ गया, ये 2 जो है सेटिस्फाई हो रहा है, 5 जो है सेटिस्फाई हो रहा है, नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन कहां पे होगा, देखो ये 5, तो देखो 2 छोड़ के हो रहा है, तो 2 नहीं हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 4, मतलब 0 1 नहीं हुआ, फिर 2 हुआ, 3 4 नहीं हुआ, 5 हुआ, ठीक। तो इसका मतलब 6 7 नहीं होगा, 8 होगा, ऑब्वियस है, तो x = 2 5 8, ठीक है, ये आंसर है। आंसर मतलब क्या, ये x के जगह अगर ये 3 वैल्यू का, मतलब 3 डिजिट का कोई एक बैठा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट हमको बोला कि सर यहाँ पे आप तो प्लस करके ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 5 की जगह अगर -5 लेते हैं तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं, 2 + 8 + -5 + 6, मतलब समझ में आया, हम तो ये 5 पॉजिटिव में ले रहे थे, जितना सम्स पहला 2 किए वो भी पॉजिटिव में कर रहे थे, सम समझ में आ गया था, थोड़ा एडवांस लेवल में चलो, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 + 8 + -5 तो हम ले ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ले नहीं सकते, ठीक है, हम तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, जरूर ले सकते हैं, मेरा मन है हम कुछ भी ले सकते हैं, तो -5 ले लिया। अब देखो -5 को अगर जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 + 8 - 5 + 6, ध्यान से देखो, ध्यान से इसको भूल जाओ, 2 + 8 - 5 + 6 ना, देखो यहां पे अगर आंसर लाओगे ना, चेक करो, 8 × 2 = 10, 10 + 6 = 16, 16 से -5 करो, आया नहीं आया, समझ में आया, ऐसा नहीं है कि +5 में आ रहा है तो मतलब -5 में भी आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में ना यहाँ पे हो सकता है, देखो 2 + 8 - 4 + 6, देखो चेक करो, 8 × 10, 10 + 6 = 16, 16 से -4 करो तो क्या होगा, 16 से -4 करो तो क्या होगा, देखो 12 आ रहा है, तो मतलब विच इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो एक नया चीज हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा, ध्यान से देखो, अभी तो हम लोग प्लस में ले रहे थे, जितना सारा नंबर्स 1 to 9 तक प्लस में लिया था, अब हम सोचा कि चलो नंबर जो है माइनस में लेते हैं, देखते आता है कि नहीं आता, तो देखा +5 में मेरा हुआ था, आया था मल्टीपल, मतलब ये 21 जो है मल्टीपल है 3 का, या फिर 21 जो है 3 से डिविजिबल भी होता है, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन होता है तब भी ये आंसर राइट है, ये टाइप का क्वेश्चन है तब भी ये आंसर राइट है, समझ में आया। अब हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये -5 से क्या सॉल्व होगा, वो चेक कर रहे हैं। अब देखो चेक करने के लिए हम -5 यहां पे लिखा, तो यहां पे प्लस माइनस में क्या था, माइनस था, तो यहां पे माइनस आ गया, तो यहां पे देखा चेक किया तो ये नहीं हुआ, तो फिर हम मेरा मन हुआ कि यहां पे -5 से यहां पे हुआ था तो इधर नहीं हो रहा है, तो प्लस का उल्टा है माइनस, तो चलो यहां पे +4 से नहीं हुआ था तो चलो -4 लेके देखते हैं, तो इसीलिए हम -4 लिया, -4 लेके देख रहे हैं कि ये जो 12 है ना ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है,
लेकिन क्या ये हम माइनस फोर लिख सकते हैं आंसर में? मेरा आंसर था x इक्वल्स टू 258। तो यहाँ पे क्या हम माइनस टू लिख सकते हैं? माइनस टू नहीं, माइनस फोर क्या हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये 28 समथिंग मतलब 28-6 है, तो ये डैश की जगह क्या तुम ये माइनस फोर कभी लिख सकते हो? ऐसा करके कभी भी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो इसीलिए हम लोगों को अगर नंबर ऐसा रहता है, पॉजिटिव में रहता है, तो हम लोग इसीलिए पॉजिटिव नंबर्स ही ले रहे हैं। समझ में आया? हम लोग नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आ भी जाएगा ना, तो भी हम उसको ले नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पे बीच में एक तो माइनस फोर बैठा नहीं सकता। कभी ऐसा नंबर देखे हो कहीं पे? नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो माइनस मतलब यहाँ पे नहीं होता है, वो एकदम ये सामने हो जाता है, और ये सामने मतलब इसका पूरा अपोजिट नंबर आ गया। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा 0 to 9 तक पॉजिटिव में ही लेना है, और माइनस में क्यों नहीं ले सकते? उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हम उसको लिख नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते माइनस में? उसका रीजन हम बताया। तो समझ में आया, पहले 1 और 2 में हम कंसेप्ट समझाया, फिर नंबर 3 में थोड़ा एडवांस लेवल में समझाया। तो आई होप पूरा ये कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। बाकी सारे सम्स भी करेंगे तो कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो इस सम का, क्वेश्चन नंबर 3 का ओरिजिनल आंसर क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, इतना सारे समझाया, मतलब इतना सारे समझने के बाद आंसर उल्टा उल्टा कॉपी मत करना। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। क्या है 2 4x इज डिविजिबल बाय 6। 2 4x इज डिविजिबल बाय 6। देखो यहां पे डिविजिबल बाय 6 है, तो डिविजिबल बाय 6 का रूल्स क्या है? पहला रूल्स जो है, हमको यहां पे ये चेक करना होता है कि ये वाले भाई सब ऑड है कि इवन है। ये अगर ऑड होता है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, वहीं पे खत्म बात। तो ये अगर इवन होगा तो हमको एक और एक चेक करना है। ठीक, तो मेथड है डिविजिबिलिटी रूल। ध्यान से एक बार सुन के यहां पे आ जाओ, अच्छा लगेगा, तुम कोप अप कर सकते हो। ठीक, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा कि तुम भूलोगे मत। ठीक है, 2-3 साल तक याद रहेगा तुमको। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे 2 4x जो है अगर ऑड हुआ तो बात खत्म, अगर इवन हुआ तो बात आगे जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब चलो ये एक्स अगर ऑड हुआ तो बात खत्म, तो यहां पे डिविजिबल बाय 6 का आया तो खत्म नहीं कर सकते, हमको लेके चलना है। तो मतलब क्या, एक्स का वैल्यू थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, क्या 0 2 4 6 8 इसमें आ गया। ठीक, अब बाकी सारे नंबर्स खत्म। अब एक एक करके तुम पुट कर लो, अब एक एक करके तुम पुट कर लो। यहां पे 2 टाइप का बच्चा होता है, 0 पुट कर लिया 246 से डिविजिबल होगा इजीली दिख रहा है, 2 अगर पुट कर देते हो तो नहीं होगा दिख रहा है। ठीक, कैसे 24 जाएगा, 6 4 24, तो 2 बच गया तो नहीं जाता है। 4 को पुट करो 44, तो वो क्या 6 से जाएगा? नहीं जाएगा। 6 को पुट करो, ठीक, 6 को यहां पे पुट करो, पुट करने के बाद हाँ जाएगा, क्योंकि 6 4 24, 6 1 6, ठीक, तो जा रहा है। 8 क्या जाएगा? 8 पुट करो तो 6 है तो नहीं जाएगा। सेम, ये 2 डिविजिबल हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है 8, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 0 6 आंसर निकल गया। ठीक, लेकिन तुमको यहाँ पे करना क्या है? तुम क्या बार बार वो डिविजन करके दिखाओगे? नहीं दिखाना है, उसके लिए हम लोग के पास सेकेंड ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एड करना है तुमको, तो ये डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है चैप्टर, तो ये प्लस करना है। अगर ये प्लस करके 3 से डिविजिबल होता है, जो आंसर आएगा वो आंसर डिवाइडेड बाय 3 होता है, तब जाके वो 6 से डिविजिबल होता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग क्या पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, तो 2 + 4 + 0 क्या हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर क्या है, 2 + 4 + 2 क्या होगा, 4 2 6 + 2 8, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 + 4 + 6 तो क्या होगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करो। ठीक, तो 4 4 8 + 2 10, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हो, तो देखो हम फिर से बताएगा, थोड़ा सा वेट करो। तो 2, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो समझ लो, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो समझ लो। ठीक,
तो 2 + 4 + यहाँ पे 4 है, तो फिर 6 पुट करो, 6 × 4 = 12 आएगा, तो ये हो रहा है। अब लास्ट है तो 8 पुट करो, 2 + 4 + 8, तो 8 × 4 क्या आएगा, 8 × 10 + 14 आ रहा है कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो मेरा आंसर बस ये यही आ रहा है, मतलब क्या 0 और 6 अगर यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब क्या आंसर x = 0.6 होगा, तो ये जो है डिविजिबल बाई 6 होगा। जिन लोगों का समझ में आ गया है बहुत खूब, अब जिन लोगों का समझ में नहीं आया तुम लोग सुनो, यहाँ पे ना हम दो मेथड दिखाया, एक जो मेथड है डिविजिबिलिटी रूल तुमको पता है, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो है दो रूल है, नंबर 1 चेक लास्ट डिजिट क्या है ऑड और इवन, ठीक, इवन होगा तो हम सेकेंड ऑप्शन में चलेंगे, अगर ऑड हुआ तो यहीं पे खत्म, समझ में आया, ऑड हुआ लास्ट डिजिट तो यहां पे खत्म, वो 6 से डिविजिबल कभी नहीं होगा, और अगर इवन होगा तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, क्या है जितना सारा डिजिट्स है सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3, उसका अगर आंसर होता है, ठीक, आंसर अगर आता है सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है तब वो 6 से भी डिविजिबल होगा, समझ में आया रूल्स, ये डिविजिबिलिटी रूल में हम बताया था, यहां पे एक और बार बताया, ठीक। तो यहां पे वही चेक किया कि लास्ट जो है वो ऑड है तब वो नहीं तो जाएगा, 6 से डिविजिबल होगा ही नहीं, इवन है तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर्स ही मेरा इवन है, ठीक है, और हमको क्या करना है लास्ट सम में जो बताया पॉजिटिव में लेना है, क्यों, क्योंकि नंबर इन पॉजिटिव, ठीक, देन वी हैव टू टेक दीज नंबर्स इन पॉजिटिव, वी कैन नॉट टेक द वैल्यूज इन नेगेटिव, समझ में आया, वेरी गुड, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे हम इवन डिजिट्स ले लिए, अब फिर एक मेथड क्या है, इसको बस यहाँ पे पुट करके चेक कर लो, ये तुम्हारा रिवीजन है, तुम अपना चेक कर लो, 0 पुट करो तो 2 × 4 = 0 आ रहा है, 2 × 4 लिख के नहीं, मन में 2 × 4 = 0 आ रहा है, तो 6 से डिविजिबल करो तो 6, मतलब कैसे करोगे हम दिखा रहे हैं, 6 × 4 = 0, ठीक है 24, फिर 0 तो डिविजिबल हो रहा है, फिर क्या 2 × 4 = 2/6 करो तो 6 × 4 = 0, तो 2 नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ऐसे मन में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 पुट करो तो 4 है तो 6 × 4 जा जाएगा, तो 4 नहीं जा रहा है, नहीं होगा, ऐसे करके चेक कर लो, देखा कि 0 और 6 हो रहा है और बाकी 3 नहीं हो रहा है, ठीक, लेकिन ये तो तुम चेक कर लिए, तो डायरेक्टली अगर एमसीक्यू में रहता है तो डायरेक्टली मार दो 0, 6, लेकिन अगर एमसीक्यू में नहीं है 2 मार्क्स का सामने तो तुमको दिखाना पड़ेगा कुछ, तब क्या ये ऑड नंबर्स हम क्या किए आगे चला आया, ये सेकंड मेथड जो है सम ऑफ द डिजिट्स दैट इज इक्वल टू जो नंबर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक, मतलब रिमाइंडर 0 होना पड़ेगा, रिमाइंडर मस्ट बी 0, डिविजिबल बाई 3 करके रिमाइंडर मस्ट बी 0, अगर आया तो क्या होगा वो जो नंबर है वो यहां पे हम लिख देते हैं r = 0 तो वो 6 से डिविजिबल होगा, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, हम यहां पे वही चेक किया, सबको प्लस किया, ये सारे नंबर्स को यहां पे एक एक करके पुट करवाया, देखा कि कौन सा वाले का प्लस 3 से डिविजिबल है, और क्योंकि 3 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, यही दो केसेस में 0 आ रहा है, ये एक 0 है ये एक 6 है, समझ में आया, चलो अब देखो जो हम लोग किए थे ना वही वाले करेंगे, ठीक है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 6 या फिर डिविजिबल ऑफ 6 का मतलब 6 से डिविजिबल होने के लिए दो रूल्स है, एक जो है लास्ट जो नंबर है वो इवन होना चाहिए जो कि यहाँ पे इवन है, तो फिर हम लोगों को क्या बस चेक करना है सेकेंड मेथड चेक करना है, क्योंकि लास्ट नंबर से तो रिलेटेड कुछ है ही नहीं, लास्ट नंबर इवन है तो ये 6 का मल्टीपल होगा या फिर 6 का डिविजिबल होगा, मतलब डिविजिबल और मल्टीपल दोनों में सिमिलर है ये पता चल रहा है, तो ठीक है, मतलब ये हम दिखाया है, ठीक है, पूरा वीडियो देखो समझ में आ जाएगा कि ये मल्टीपल ऑफ डिविजिबल अलग अलग क्यों नहीं है, सेम कैसे है ये वीडियो में बताया है, ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो 3x = 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब क्या उस सेकेंड रूल चेक करना है, मतलब बस प्लस करना है 3 + x + 2 + 6 क्या है इसका समेशन, अगर 3 से डिविजिबल है, इसका समेशन अगर 3 से डिविजिबल है तो सम करो, देखो क्या आया, पहले यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करो, 6 × 8 = 11 क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 3 + 1 + 2 + 6 3 + 2 + 2 + 6 3 + 3 + 2 + 6 3 + 4 + 2 + 6 ठीक, तो यहां पे देखो 3 1 2 6 तो मतलब क्या
सिक्स टू एट, एट प्लस थ्री कितना होता है इलेवन, प्लस वन क्या ट्वेल्व, क्या ये डिविजिबल है थ्री से, जरूर है। यहाँ पे देखो सिक्स प्लस फोर टेन प्लस थ्री थर्टीन, डिविजिबल है नहीं है। यहाँ पे सिक्स प्लस सिक्स क्या हो जाएगा ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, नहीं होगा। सिक्स प्लस फोर फोर थ्री सेवन प्लस टू नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, क्या ये थ्री से डिविजिबल है, हाँ है। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या आ रहा है, वन फोर आया तो फिर क्या होगा, फाइव नहीं होगा, सिक्स नहीं होगा, ठीक है सेवन होगा। तो थ्री प्लस सेवन प्लस टू प्लस सिक्स कैलकुलेट कर दो, क्या होता है सेवन थ्री टेन, सिक्स टू एट तो मतलब एटीन, तो होगा। तो मतलब आंसर्स क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू, ये जो है थ्री से डिविजिबल है, तो थ्री से डिविजिबल है मतलब मल्टीपल ऑफ सिक्स, मतलब क्या है वन फोर सेवन, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना है तुमको, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल लिखना है। डिविजिबिलिटी रूल क्या, रूल द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय थ्री विथ रिमाइंडर जीरो, देन द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स। कहां लिखना है एकदम स्टार्टिंग में लिख दो ये रूल, फिर चेक करो। समझ में आया? ये हम यहां पे लिखा है, ठीक है, तो नहीं होगा इसीलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो ये जो रूल्स है ये यहां पे लिख दो बस, अब सम्स कर लो ये वाले। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब देखो डिविजिबल बाय फोर मतलब ये लास्ट टू डिजिट्स क्या होना चाहिए, लास्ट टू डिजिट्स हम लोगों को डिविजिबल होना चाहिए, है कि नहीं, यही रूल्स है। तो फिर क्या करेंगे, देखो चेक करो, यहां पे लिख लो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ फोर, क्या लिखना है लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी डिवाइड विथ फोर, सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई फोर। चेक करो क्या है, फोर टू जीरो एट लास्ट टू नंबर्स डिविजिबल बाई फोर, यस जीरो एट है तो एट तो फोर से डिविजिबल होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, फोर टू वन एट नहीं है, फोर टू टू एट है, फोर टू थ्री एट नहीं है, फोर टू फोर एट है, फोर टू फाइव एट नहीं है, फोर टू सिक्स एट क्या है, है। चेक कर लेना फोर से क्या है, फोर वन जा फोर फाइव सिक्स टू ट्वेंटी एट, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट, फिर फोर टू सेवन एट है नहीं, फोर टू एट एट है, फोर टू नाइन एट नहीं है, ये लास्ट नंबर चेक कर रहे हैं बस और कुछ नहीं, नंबर्स पुट करके लास्ट नंबर चेक कर। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, देखो x इक्वल्स टू जीरो टू फोर सिक्स एट, ठीक है। देखो यहां पे तुम पुट करके देख लो, फोर टू जीरो एट चेक करो, फोर से डिविजिबल है कि नहीं नंबर, फोर वाज अ फोर नहीं जाएगा जीरो, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ट्वेंटी हो गया तो फोर टू जाएगा तो जा रहा है, डिविजिबल हो रहा है, जरूर हो रहा है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखो ये सब ना सॉल्व करने का टाइप बहुत है, ठीक है, लेकिन वही मेथड सॉल्व करना चाहिए जो मेथड सीखने से 50 तो या 100 सम्स हो जाता है, बन जाता है। एक मेथड से अगर 100 सम्स बन रहा है तो हम दूसरा मेथड पे क्यों जाए, हम लोग का इतना छोटा माथा है, इतना छोटे माथे पे इतना सारे घुसाना नहीं है, ठीक है। एक ही मेथड घुसाओ, इतना अच्छे से घुसाओ ताकि वो एकदम 100 या 200 सम्स बनने में इजी हो जाए, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। 9 1 4 2 मल्टीपल मतलब वही सेम, लास्ट का दो अगर 4 का मल्टीपल होगा तो वो होगा,
ठीक है, और 4 का मल्टीपल कितना होता है 4, 8, लास्ट में वही सब रहता है। ठीक है, देखो चेक करो 9, 1, 4, 2, पहले इसको 0 लो, ठीक है, तो 20, हाँ जा रहा है 4 से, तो फिर 9, 1, 4, 2, 1, 21 नहीं जा रहा है, 9, 1, 4, 2, 2 नहीं हो रहा है, 9, 1, 4, 2, 3 नहीं हो रहा है, 9, 1, 4, 2, 4 जा रहा है, यहाँ पे बस ये चेक कर रहे हम, समझ में आ रहा है, 9, 1, 4, 2, 5 नहीं होगा, 9, 1, 4, 2, 6 नहीं होगा, 9, 1, 4, 2, 7 नहीं होगा, 9, 1, 4, 2, 8 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है देखो, 0, x का वैल्यू क्या होना है 0, फिर 4, फिर 8, बस। अब देखो कुछ स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये मल्टीपल और डिवीजन सेम कैसे है? देखो डिवीजन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन से होता है ना, अच्छा चलो चेक करवा देते हैं, 4 से करो, 4 से डिवाइड करो, 4, 2, 8, 9, 1, 11 यहाँ पे x की जगह ना ये 0 लो, स्टार्टिंग का जो 0 है 0 लो, 4 से करो, 4, 11, 1 तो 4, 2, 8 तो आया 34, ठीक, फिर यहाँ पे क्या करो 4, 8 जा आया 2, फिर 4, 5 जा, फिर 4, 5 जा, ठीक, तो ये 4 से ये डिवाइड करने से क्या मतलब 2, 2, 8, 5, 5 इंटू 4 करने से यही आ जाएगा ना, चेक कर लो, 5, 4, 20 का 0 कैरी 2, 22 का 2 कैरी 2, 8, 4 का कितना होता है 32 प्लस 2, 34 का 4 कैरी 3, 4, 2, 8 प्लस 3, 11 का 1 कैरी 1, 4, 2, 8, 1 9 आ रहा है, 9, 1, 4, 2, 0 समझ में आ रहा है, देखा, तो मतलब ये जो 9, 1, 4, 2, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, वह मल्टीपल ऑफ 4 किससे, 2, 2, 8, 5, 5 से 4 मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आया, हाँ 4 का मल्टीपल तो है ही, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 8, 7x 3 4, यहाँ पे देखो बताया है कि डिविजिबल बाय 9, ये जो 9 है ना 3 का मल्टीपल है तो ये जो है 3 का जैसा ही है, ठीक है, तो नंबर्स को सबको प्लस करना है, तो 7 + 0 + 3 + 4 अगर ये प्लस करके 9 से डिविजिबल हुआ तो वो डिविजिबल बाय 9, तो 7 + 1 + 3 + 4 7 + 2 + 3 + 4 7 + 3 + 3 + 4 7 + 4 + 3 + 4 7 + 5 + 3 + 4 तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस यहाँ पे ना एक ऐड कर देंगे तो 14 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है, 7 और यहाँ पे क्या होगा 15, 9 से डिविजिबल नहीं है, 16 9 से नहीं है, 17 9 से नहीं है, 18 9 से है, ठीक, तो 5 से भी ये क्या हो जाएगा 19 जो कि नहीं है, फिर क्या आएगा 20 नहीं होगा, ठीक है, मतलब तो ऐसे करके यहाँ पे कहां तक आया 18, अब नेक्स्ट होने के लिए 27 तक जाना पड़ेगा, 27 तो है ही नहीं मेरे पास, तो 9 तक है, तो आंसर विल बी ओनली 4, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे बस वो रूल लिख देना, ठीक है, रूल लिख देना, क्यों, क्योंकि क्या रूल लिखना कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स should be divisible by 9 so that the number will be divisible by 9 only, ठीक, तो यहाँ पे x का जगह पे only 4 अगर बैठेगा तो ये number divisible by 9 होगा, और 4 छोड़ के कोई भी number तुम put कर दो तो वो नहीं होगा 9 से, तुम check कर सकते हो, ठीक है, चलो moving on to the next sum, question number 9, देखो अब तक बहुत सारा question हम solve किया है तो अब उतना detailing में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है तो शायद तुम लोग से बहुत सारे sums हो जाएगा, तो यहाँ पे 555 क्या लिखा है मल्टीपल ऑफ 9, ठीक, देखो यहाँ पे जो x है ना वही सेम हम क्या बताया डिविजिबल की तरह, ठीक, एकदम सेम डिविजिबल की तरह, लेकिन तुमको करके देखना है क्योंकि ये डिजिट्स बदल गया, ठीक है, डिविजिबल और मल्टीपल ये मतलब लर्न मत कर लेना कि 9 से मल्टीपल या फिर डिविजिबल होगा तो ऐसा होगा, ऐसा मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये डिजिट्स बदल जाएगा तो उसका समेशन भी बदल जाएगा, ध्यान में रखना, तो 5 + 0 + 5 + 5 + 5, ठीक, 5 + 1 + 5 + 5 + 5, 5 + 2 + 5 + 5 + 5, ठीक, यहाँ पे ना सिंस द ऑल द डिजिट्स आर 5 देन कैलकुलेशन हैज टू बी इजी, कैसे, 4 5 20 + 0 20, 4 5 20 + 1 21, 20 + 2 22, तो ऐसे करके देखना
यहाँ पे जाएगा क्या, यहाँ पे टू थ्री से भी नहीं जाएगा, फोर से भी नहीं जाएगा, फाइव से भी, सिक्स से भी नहीं जाएगा, सेवन से जाएगा। फाइव प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 प्लस 7 27 आता है, उससे आगे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 7 से ये 27 आता है, तो x मस्ट बी इक्वल टू 7, शो दैट द नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 9। कैसे, इसको यहाँ पे 7 पुट करके डिवाइड करके देखो, तो डिवीजन हो रहा है। अगर डिवीजन हो रहा है तो जो डिवीजन का जो कोशेंट है, वो कोशेंट, दैट कोशेंट इज मल्टीप्लाइड विद द डिवाइजर, देन यू विल गेट द डिविडेंड, ठीक। मतलब क्या, हम क्या बताए, यहाँ पे जो होता है भाई साहब डिवाइजर होता है, यहाँ पे जो होता है भाई साहब क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है, ठीक। और यहाँ पे जो भाई साहब होता है ना, वो होता है कोशेंट, ठीक है। तो ये हम लोग एक पढ़ा था, जो डिविजर और कोशेंट अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये डिविडेंड आ जाता है, ठीक है। तो वही हम किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3x2 दैट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक। तो मेथड क्या है, पहले ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड प्लस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ये है पहला वाला काम। दूसरा वाला काम क्या है, एंड द आंसर शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, इसका आंसर। तो यहां पे पहले चेक करो ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो 3 प्लस 2 सम ऑफ ऑड 5 सम ऑफ इवन x, वहां पे तो x ही है कि नहीं। फिर क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो डिफरेंस क्या होगा, ऑड से इवन, ऑड का क्या है 5, इसका क्या है माइनस x, तो ये है डिफरेंस। देखो क्या बताया है, द आंसर शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, इसका आंसर जो होगा वो 0 और मल्टीपल ऑफ 11, तो क्या होगा 5 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 0, है कि नहीं, इसका आंसर 0, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, अब देखो ये x माइनस है तो इधर लेके आओ, तो 5 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू 5 आया थे। अब क्या 5 माइनस x इक्वल्स टू 1, तो फिर क्या होगा, देखो x को इधर लाओ 1 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू x, तो आंसर विल भी क्या होगा 4 इक्वल्स टू x। हम क्या बताया था, आइदर 0 होगा आंसर और 11 का मल्टीपल, तो यहां पे क्या 1 हो सकता है, 1 क्या 11 का मल्टीपल है। अगर तुमको सम करने का टाइम थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ लगेगा ना, तो उसको बस सिंपल ये जो नंबर है इसको यहां पे पुट करो, पुट करके चेक कर लो, ये जो नंबर x का जो वैल्यू आया, x का वैल्यू वहां पे पुट करो, 342 बाय 11, 11 से काटाकुटी करो, 11 3 से 33 12, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर 1 मल्टीपल है नहीं, ठीक है। तो यहां पे और क्या बैठ सकता है, 11 बैठ सकता है, चलो ये रख देते हैं क्रॉस करके, तो भी तुम लोगों को पता चलेगा। देखो अब देखो 5 माइनस x दैट इक्वल्स टू 11 हो सकता है, 5 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 22 हो सकता है, ऐसे करके जाएगा। तो यहां पे देखो 5 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू x, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस 6 इक्वल्स टू x, ये तो माइनस में हो गया भाई साहब, यहाँ पे माइनस बैठेगा नहीं बैठेगा। अब 11 से माइनस आ रहा है तो 22 से तो और माइनस आएगा, तो ये और भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, x equals to 5, only x equals to 5 will be the answer, समझ में आया। यहाँ पे 5 पुट करके चेक कर लो, 352 by 11, 11 से क्या करो, 11 3 जा फिर 2 आएगा, 11 2 जा तो आंसर आया 32, तो हाँ डिविजिबल है। कैसे करना है समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा टाइप का है, ठीक है, वो भी हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे किए क्या एक बार समझ लो। सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ये है फर्स्ट कंडीशन 11 से डिविजिबल होने का। द
आंसर शुड बी जीरो और मल्टीपल ऑफ इलेवन, तो आंसर जो है वो जीरो होना पड़ेगा और मल्टीपल ऑफ इलेवन होना पड़ेगा, ये है सेकेंड कंडीशन। इसका आंसर इसका आंसर माइनस करने के बाद का आंसर। तो हम यहाँ पे क्या निकाले, सम ऑफ ऑड प्लेसेस निकाल लिए, सम ऑफ इवन प्लेसेस निकाल लिए। अब क्या है डिफरेंस, क्या है ऑड माइनस इवन, तो डिफरेंस ऑड माइनस इवन करो, ठीक है ये हम तो करने के बाद देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, सेकंड मेथड में आ जाओ, मतलब सेकंड कंडीशन में आ जाओ, क्या है द आंसर शुड बी जीरो और मल्टीपल ऑफ इलेवन, आंसर शुड बी जीरो। तो यहाँ पे पहले जीरो पुट करो, फिर इलेवन पुट करो, फिर 22 पुट करो, यहाँ पे वन था, यहाँ पे जीरो पुट करो एक बार, 11 पुट करो एक बार, 22 पुट करो, क्योंकि आंसर शुड बी जीरो और 11 का मल्टीपल, मतलब जीरो होगा 11 होगा 22 होगा, ऐसे करके जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो लिए, फिर क्या होगा, यही तो डिफरेंस था, ये डिफरेंस इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा, ये डिफरेंस इक्वल्स टू 11 होना पड़ेगा, ये डिफरेंस इक्वल्स टू 22 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो लिए, फिर क्या होगा 5 इक्वल्स टू एक्स होगा, क्योंकि ये माइनस एक्स को राइट साइड भेज दिए तो प्लस हो जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू एक्स, समझ में आया। तो इसी का वैल्यू हम 1 में चेक किया था, लेकिन 1 में हमको करना नहीं है, ये तुम लोग नहीं करोगे, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, सिंपल आंसर नेक्स्ट यहाँ पे 11 में आ जाओ, 11 से चेक करो, देखो 11 का आंसर इक्वल्स टू 11 जो होगा उसका आंसर माइनस में आ रहा है, तो 11 का आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो इसका ये तो 22 है तो और भी माइनस में आएगा, क्योंकि 5 माइनस 22 आ जाएगा, और भी माइनस में होगा, ठीक है, तो उधर जाएंगे ही नहीं, तो मतलब एक ही आंसर आ रहा है, एक ही आंसर। तो सम समझ में आया, जिसको समझ में आ गया है ठीक, जिसको समझ में नहीं आया चलो क्वेश्चन नंबर 11 में एक और बार देखते हैं, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरा लॉजिक क्या था, वही दो लॉजिक था क्वेश्चन नंबर, मतलब नंबर वन लॉजिक क्या था कि ऑड माइनस इवन करो और दैट शुड बी इक्वल टू 0, 11, 22 ऐसे करके होगा, ठीक। तो ये है फर्स्ट काम, ये है सेकेंड काम, ठीक। देखो ये ऑड माइनस इवन मतलब क्या, सम, ठीक है, यहां पे भी सम, अब शॉर्ट में लिखा क्योंकि जस्ट 10 में दिखाया इसीलिए। तो देखो पहले सम करो, सम ऑफ ऑड डिजिट्स, यहां पे ये इक्वेशन करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमको, क्योंकि हमको जो है ना हर एक स्टूडेंट को टारगेट करना होता है, हर एक स्टूडेंट को, मतलब जिसको मैथ्स कुछ नहीं आता है उस वो भी ये वाला वीडियो देखेगा तो फटाक से सम्स कर देगा, ठीक है। मेरा माइंड में हमेशा यही चलता है कि एकदम जिसको सम्स आता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको सम्स नहीं आता है वो क्या करेगा, वो कहां पे जाएगा, उसको जनरली टारगेट करना होता है, ठीक है। हम जो है उसी को टारगेट करते हैं कि जिसको मैथ्स एकदम से आता नहीं है वो क्या करेगा, तो ऐसे मेथड से हम सॉल्व करते हैं कि ताकि उसको समझ में आ जाए। तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स जो है क्या होगा, 5 प्लस 2 करो क्या होता है 7, ठीक। अच्छा चलो लिख देते हैं, फिर जो है सम ऑफ इवन डिजिट्स क्या है, x। अब बताया है कि डिफरेंस, ठीक, डिफरेंस बिटवीन देम इक्वल्स टू क्या है, ऑड माइनस इवन, तो 7 माइनस 6, समझ में आ रहा है। अब क्या इसमें पुट करना है, तो सो 7 माइनस 6 दैट शुड बी इक्वल टू 0, और क्या 7 माइनस 6 दैट शुड बी इक्वल टू 11, और क्या 7 माइनस 6 दैट शुड बी इक्वल टू 22, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहां पे चेक करना है। अब देखो ये जो माइनस 6 है इसको इधर लेके जाओ, तो 7 इक्वल टू x, ये इधर चला गया, ये वाले भाई साहब इधर चला गया, तो प्लस x हो गया। मतलब एक्चुअली हुआ क्या वो भी दिखा देते हैं कि 0 प्लस x, तो दैट मींस 7 इक्वल्स टू x, किसी नंबर के साथ 0 प्लस कर दो तो वही नंबर रहता है। अब यहां पे करो तो 7 माइनस 11 इसको इधर लेके आया, माइनस x को उधर, तो अब यहां पे क्या होगा, माइनस 4 इक्वल्स टू x, तो माइनस में आ रहा है, तो 11 माइनस में आ रहा है, तो 22 तो और भी माइनस में आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ x इक्वल्स टू 7, क्योंकि हमको यहां पे क्या पुट करना है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करना है और पॉजिटिव यूनिट डिजिट मतलब एक ही डिजिट पुट करना है, समझ में आया कैसा हूं। तो x इक्वल्स टू 7 विल बी द आंसर, चेक कर लो, 572 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, तो इससे ये काटाकुटी कर दो तो क्या आएगा। अब यहां पे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर, यहां पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ना मल्टीपल ऑफ 11 मतलब डिविजन, तो 11 5 55, फिर आएगा 2, 11 2 तो आ रहा है 52,
अब देखो 52 के साथ 11 मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया जो क्वेश्चन आया उसके साथ 11 मल्टीप्लाई करो, तो 11 2 सा 22 का 2 कैरी 2 55 प्लस 2 57 आ रहा है 572। हां सर आ रहा है, तो मतलब क्या 572 इज अ मल्टीपल ऑफ 11 जो आंसर हम लोग का यहां पे आया। समझ में आया? चलो एक्सरसाइज एंड।